भाई इतने दर्द में गया, भगवान ऐसी मौत किसी को नहीं दे जैसे मेरे भाई की मौत है। इसको कोई गलती नहीं थी, गलती नहीं दी है तो यहाँ पे क्या रात से बैठे हैं? तो ये रात की उनकी कोई वो नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन अगर नहीं न्याय कर पा रही है, हमारे हवाले लड़के कर दे, हम 10 मिनट में फैसला कर देंगे। हमें इंसाफ चाहिए, उसके आखिरी शब्द यही थे कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, उसको छोड़ना मत। मार के बदले मार चाहिए, हमको लड़का का लड़का चाहिए। ये आज हमारे भाई के साथ हुआ है, आज यहाँ पे कोई भी बेटा सुरक्षित नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि शासन से कोई बात हो, पर कल से बात कोई नहीं हुआ। साफ तौर पर यहाँ माहौल काफी तनावग्रस्त है और काफी गमगीन है। कुर्सी पार में मलकीत सिंह की हत्या के बाद में जो माहौल है वो तनावग्रस्त हो चुका है और गमगीन सा भी हो चुका है। कुर्सी पार थाने के सामने में आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं, जो मलकीत के घर परिवार से जुड़ी हुए लोग हैं, वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं और न्याय की आस है। आप इस वक्त जो फ्रेम पे देख पा रहे हैं, मलकीत सिंह जी की पत्नी है, हालांकि वो बात करने की कंडीशन में नहीं है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उनका पूरा परिवार बैठा है। दीदी, मलकीत सिंह जी के साथ जो हुआ, आप क्या चाहती हैं, कैसे न्याय मिलना चाहिए आप लोगों को? हम बस यही चाहते हैं कि मतलब उसको इतने बुरे तरीके से उसकी हालत कर दी गई, इतना उसको मारा, इतना तड़पाया गया उसको, बस उसको यही है, उसकी औरत को, उसकी बीबी को हमको नौकरी चाहिए। बच्चे कैसे पालेंगे, कौन पालेगा उसके बच्चे? हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। आपको दीदी क्या सूचना मिली थी? देखिए मेरा भाई है, हमें इंसाफ चाहिए, उसके आखिरी शब्द यही थे कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, उसको छोड़ना मत। एक इंसान के ऊपर, एक निहत्ते इंसान के ऊपर साथ साथ लड़के बॉक्सर ने इतना मारा कि उसकी पसलियां टूट गई, उसकी हड्डी टूट गई, उसके चेस्ट की, उसके बैक की हड्डी टूट गई। ऐसा क्या कारण हो गया जो उन्होंने ऐसे पर्सनल ग्रजेस निकाले, उससे दुश्मनी निकाली? आज ये हमारे साथ हुआ है। ये यहाँ पे कितने लोग घूमते हैं शाम को, ये वारदात बहुत रात को नहीं हुई है, ये वारदात 7:30-8 बजे की है, ठीक है? ये आज हमारे भाई के साथ हुआ है, आज यहाँ पे कोई भी बेटा सुरक्षित नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल शायद किसी और के साथ हो सकता है। हमें बस हाथ जोड़ के यही है, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। वो जो बोल के गया उन लड़कों को मत छोड़ना, मेरा यही इच्छा है उन लोगों को मत छोड़ना। कई बार जब उनका इलाज चल रहा था तो आपसे बात हुई थी उनकी? मैं, मेरी भाभी, मेरे भाई, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसके शब्द, बस उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि वो लड़कों ने मुझे बहुत मारा है, 6-7 लड़कों ने मिलके उसको बहुत मारा, उसके गर्दन पे पहले चाकू रखा, उसका फ़ोन फेंक दिया, उसको मारते गए, उसमें से एक लड़का बॉक्सर भी था। उसने कुछ, मेरे भाई की कोई वो जानता पहचानता कुछ नहीं है उनको, वो कभी नहीं निकलता, एक पारिवारिक इंसान है, शाम को बैठता। वो उस दिन पता नहीं उस रास्ते पे क्यों चला गया, वहाँ पे कोई पर्सनल कमेंट हो गया शायद, वो मूवी पे देखते हुए, गदर पिक्चर पे, उस पर कुछ दूसरे जो भी थे, तो उन्होंने उसको बहुत मारा, उसका गले पे चाकू रख के उसको मारते गए। फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया कि मेरे को बहुत मारे हैं, लेके जा करके, भाई तू आ जा, तो उसको लेके गए हम लोग। रास्ते में भले यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाए और सिटी स्कैन कराए, बोले कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आप किसी रायपुर हॉस्पिटल में लेके जाओ। रास्ते भर में बस कि उसके एक ही शब्द था कि उन लड़कों ने मुझे बहुत मारा है, उन लोगों को छोड़ना मत। तो अगर आप आ रहे हो तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ दिला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप के बुजुर्ग हैं, इन लोग का सहारा था, मेरे बाप, मेरे पापा की कमर तोड़ दी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो दो छोटे बच्चे हैं इनका भरण पोषण कैसा हो। इनका भरण पोषण हमारे, मेरे भाभी को कुछ ऐसा नौकरी दो, कुछ सरकारी नौकरी दो कि कम से कम ये अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, क्योंकि इसके तो पापा ही थे। रात को फ़ोन करके बोलती है मेरे पापा से वीडियो कॉल करा दो, ये हॉस्पिटल में मेरे पापा से बात कराओ। अब हम कहाँ से लेके आए अपने भाई को, इसके पापा को कहाँ से लेके आए? तो अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ जो बैठे हैं उसमें ये जो मांग है आपकी, तो वो तो आप जो बोल रही हैं वो पूरी बात जाएगी, और इसके अलावा कोई मांग है जो आप सरकार से कहना चाहती हैं? बस हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा। आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, वो भी खून के आंसू रो रहे हैं, जैसे हमारा परिवार बिखर गया, हम अपने
भाई के कातिलों को सजा देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी भाभी को कुछ ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, कुछ उसको मुआवजा मिले या फिर उसको कोई ऐसे नौकरी मिले जिससे वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। सर देखिए रिश्तेदार आज 4 लोग आए हैं, सब अपने अपने घर में चले जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं बनता। जो भी है ये एक औरत है, सशक्त नारी बन जाए, ये अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर सके। बस हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो और ऐसा कुछ हो कि इनके बच्चे अपने आप पल पोस सके, बस सर और कुछ नहीं चाहिए। आप बात करना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये परिवार है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पूरे परिवार की महिलाएं हैं वो बैठे हैं न्याय के लिए। साफ तौर पर ये घटना बहुत निर्मम है अपने आप में, इस तरह से किसी व्यक्ति को इस तरह से मौत के घाट उतारा जाना। और जैसे कि इन्होंने कहा कि अंतिम शब्द उस मृतक के, उनके जो भाई साहब हैं उनके, यही थे कि मतलब कैसे न कैसे उन जो लोग हैं उनके ऊपर जो हमला किया और बहुत बुरी तरीके से मारा उन्हें, तो उन्हें कम से कम पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा वो अपने आखिरी लम्हों में अपनी बहन से और परिवारजनों से कहते जा रहे थे। यहाँ पूरी जगह पे महिलाएं तो हैं और भी लोग, यहाँ पुरुष वर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ भी जो लोग हैं पुलिस से लगातार बातचीत कर रहे हैं, अपनी मांगों को वो रख रहे हैं पुलिस प्रशासन के सामने में। मुआवजे की एक मांग आ रही है, परिवार के सदस्य को नौकरी की बात हो रही है और साफ तौर पर जैसे कि जो मृतक हैं उनकी जो बहन है उनके ओर से आपने सुना, वो कह रही हैं कि जो दोषी हैं उनको सजाए मौत दी जानी चाहिए। तो इस तरह से ये खबर है, हमने इस खबर के एक और पहलू को आप तक पहुँचाया। और साफ तौर पर यहाँ माहौल काफ़ी तनावग्रस्त है और काफ़ी गमगीन है और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो भाजपा के नेता यहाँ पर बैठे हैं वो भी इनके सपोर्ट में, काफ़ी कुछ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो कुछ अपनी बात रखते हैं तो इसी वीडियो के आखिर में या आगे आपको बातें भी सुनने को मिलेगी। कुर्सीपार में माहौल गर्म हो चुका है, तनावग्रस्त हो चुका है, महिलाएं काफ़ी गुस्से में हैं और कह रही हैं कि न्याय के जो पहलू हैं उनके मुताबिक तय होना चाहिए। बहन जी क्या आप चाहती हैं, कह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ सर, हमारा बच्चा गया, हमको अगर पुलिस प्रशासन अगर नहीं न्याय कर पा रही है हमारे हवाले लड़के कर दे, हम 10 मिनट में फैसला कर देंगे कि फैसला होता क्या है। 10 मिनट में इनको बताएंगे पुलिस प्रशासन को कि फैसला कैसे करते हैं, क्योंकि यार 3 दिन हो गया या धरना धर के बैठे, क्या फैसला किए हैं लोग? कभी उनसे मुंह जोड़ के बात करते, कभी वो देता था, कभी वो, क्या फैसला हुआ बताइए ना। 3 दिन से यहाँ बैठे हैं ना, कोई फैसला नहीं हुआ। हमको मौत के बदले मौत हमारे हाय वाले लड़के कर दीजिए। सरकार और प्रशासन जैसे लोग जो यहाँ खड़े हैं जो, वो आप लोगों की पूरी सुनवाई नहीं हो रही, कह रहे हैं पुलिस एक भी सुनवाई 3 दिन से नहीं हुई है सर। अगर सुनवाई हुई रहती तो हम यहाँ रहते, हमारा बेटा वहाँ रहता, आज हमारा बेटा वहाँ पड़ा है, आज हमारा बेटा वहाँ नहीं रहता। हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। आपको लगता है कि इस मामले में राजनीति भी हो रही है? अब ये बात तो मैं नहीं कह सकती सर, राजनीतिक हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हमारा बेटा गया है, हमको मौत के बदले मौत चाहिए। अगर तुमसे फैसला नहीं हो पाता, हमारे पास लड़के भेजिए, हम 10 मिनट में फैसला करके दिखाएंगे कि फैसला होता क्या है। कुर्सीपार युवक की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जो फैसले लेकर आया है और नेताओं और प्रशासन से जो कुछ उनकी बात हो पाई है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। भैया आपका परिचय देंगे और बताएंगे क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई आपको? जसवीर सिंह चाल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। आज कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शासन से कोई बात हो, और कल से बात कोई नहीं हुआ, आज देवेंद्र जी से बात हुआ है और उन लोगों को हम अपनी मांग जो थी वो क्लियर रख दिया है। उन इसमें हमारे साथ में उनके पिताजी थे और पिताजी, उनके पिताजी को, लड़के के पिताजी को हम बोले कि तुम खुद रखो, हम उसके में फिर उस जब वो मांग रखे अपने के हम अपनी हमारी बहू को नौकरी, पक्की नौकरी और 50 लाख का हम हरजाना के बोले हैं, और जिसमें हम लोग उनको बोले हैं कि आप, आपको अधिकार में नहीं है तो आप मुख्यमंत्री से बात करके आज शाम तक घोषणा कराओ और नहीं तो हम कल फिर जो बंद का है वो हमारा पक्का रहेगा। बंद करेंगे क्या? तो उसमें कौन कौन आपके समर्थन में आ रहे हैं, किन किन से अपील कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत सी संस्थाएं हैं इसमें, जैसे कि राम जन्मोत्सव समिति भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही है, बजरंग दल है, बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ रही है। तो अपने कॉमर्स जो अपने उनकी भी टीम जो हमारे साथ जुड़ रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी टीम हमारे साथ जुड़ रही है, तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इतने देर से आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है, यहाँ पर आप लोगों अपनी मांग रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब तक कोई वाजिब सुनवाई आप लोग की हो रही है? नहीं, फिलहाल
तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जिस तरह से इन्होंने पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था, पहले 1,00,000 रुपये की डिमांड रखी थी कि 1,00,000 रुपया जो दे देते हैं और उसमें 93,000 रुपया जो वहाँ हॉस्पिटल में बना हुआ था उसको माफ़ करवा देते हैं प्रशासन की तरफ से। फिर ये 2,00,000 पर आए, 2,00,000 पे आए। यहाँ तक तो जो मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ ये 2,00,000 की बात तो यहाँ तक आई है। और हमारा जो है कि जो 50,00,000 की हम लोग बात की है हम उसी पे अड़े हुए हैं कि हाँ उसमें आप भी यही शब्द जो ये कह रहे हैं, हाँ आप इन्हीं बातों को हाँ सब पूरा सभी हम लोग इकट्ठे एक साथ जो भी बात है सभी कल से यही चल रहा है। और हम लोग अभी देवेंद्र यादव को यही बात मांगा हम अपना रख के आ गए हैं कि आप मुख्यमंत्री से बात करके क्लियर करो, जो भी हो सकता है उसको क्लियर करो। इस तरह से जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत है वो अपनी मांगों को सरकार के पास रख रहा है और इनका ये कहना है कि अब तक जो सरकार है या प्रशासन है इनकी बातों को या इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। साफ तौर पर ये जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, बहुत सारा एक सिख समुदाय बैठा हुआ है और बहुत से लोग जो इनके साथ जुड़कर बैठे हुए हैं यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, उनकी यही कहने उनका यही कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती वे यहाँ से उठेंगे नहीं। और जैसे कि इन्होंने मांगे आपके सामने रखी हैं और साफ तौर पर ये भी कहा है कि आज अगर इस विषय में नहीं सुना गया तो कल ये भिलाई बंद का एक आंदोलन करेंगे जो बड़े स्केल पर होगा, बड़े पैमाने पर होगा और ये अपनी मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो बातें हैं ये आपके सामने हैं, आप अपनी राय रखिएगा और अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, बहुत से लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।